वेलकम टू ऑल, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में जिसका नाम है सुमेध राउत। दोस्तों, आज कोई लेआउट नहीं देखेंगे हम। आज बस मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि NMRDA सैंक्शन लेआउट किस तरह से होता है, NMRDA सैंक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, और ये जो NMRDA के चार्जेस होते हैं ये लेआउट के ऑल ओवर इंक्लूडिंग रेट्स होते हैं, उसमें ही इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। और साथ ही साथ अभी ये लेआउट तो आपको दिख रहा होगा, ये आप सभी को पता है मेरे इस YouTube चैनल के लास्ट ईयर में ये लेआउट लॉन्च हुआ था, जिस समय मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेआउट की जस्ट जब ये लॉन्च हुआ था उस समय क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है बखूबी आप सब जानते हो। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलता हूँ, आपको ये जानकारी देता हूँ। बाय द वे, इस लेआउट का नाम है एम्पायर सिटी और ये लेआउट बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड हो। चुका है। सो दोस्तों, NMRDA सैंक्शनिंग प्रॉपर्टी जो होती है, उस NMRDA सैंक्शनिंग प्रॉपर्टी में आपको सीमेंट रोड बना के दिया जाता है, वाटर लाइन बना के दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया जाता है डेवलपर की तरफ से। जो भी बिल्डर इस लेआउट को लॉन्च करता है वो आपको सीमेंट रोड, वाटर लाइन, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन और बहुत सारी जो ये होती है ये डेवलपमेंट्स, ये आपको बिल्डर की तरफ से मिलती है दोस्तों। हाँ, और ये जो रेट्स होते हैं ये इंक्लूडिंग रेट्स होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के चार्जेस होते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं दोस्तों, तो बिल्डर से एक बार कंफर्म कर ले कि सर, जो आप रेट हमें बता रहे हो ये रेट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्ज है या एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि कई कई बार ये भी होता है कि बिल्डर उसका जो रेट होता है NMRDA सैंक्शन का, मतलब प्लॉट का, वो रेट कुछ 1500, एक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए 1500 रुपये का रेट होता है, बट वो आपको 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ कम करके बताता है। इससे क्या होता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण आप फिर उसे देखते हैं और आपको पसंद आता है, तो फिर आप फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाते हो, उसे बुक करने की कंडीशन में आ जाते हो। उस समय फिर क्या होता है, बिल्डर आपको बोलता है कि सर, इसमें तो आपको और 150 रुपये ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये डेवलपमेंट चार्ज है, हमने आपको जो रेट बताया था वो एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्ज था, इंक्लूडिंग नहीं था। तो ये चीज़ें भी आती है। और इसी तरह दोस्तों, इस चीज़ों को आप जब भी कहीं प्लॉट बुक करने जाते हो तो इस चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना जाए। और ये जो टाइम पीरियड होता है डेवलपमेंट का, ये टाइम पीरियड अलग अलग लोकेशंस पे डिपेंड होता है, बिल्डर की अलग अलग स्थिति में डिपेंड करता है। कोई कोई बिल्डर बहुत जल्दी आपको डेवलप करके देता है, कोई कोई बिल्डर समय लगाता है। जैसे कि पहले होता था NATP प्लॉट्स, तो NATP प्लॉट्स में रोड वोड नहीं होते थे, कच्चे रोड होते थे, सारी चीज़ें होती थी, और कोई कोई NATP प्लॉट में आपको डांबर रोड बना के देते थे, बट अभी वो कोई यही नहीं रहा। अभी NMRDA के सख्त रूल है, NMRDA का कहना है कि आप यदि प्लॉट सेल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपकी ज़मीन को NA करवाना होगा, उसके बाद फिर आपको NMRDA सैंक्शनिंग करवानी होगी, और जो NMRDA के रूल होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, उस नॉर्म्स में आपको सीमेंट रोड देना है, वाटर लाइन देना है, शिवर लाइन देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, गार्डन बना के देना है अच्छे से। जैसे आप पीछे देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ये गार्डन बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो कंपाउंड वॉल होता है गार्डन को, और साथ ही साथ NMRDA का जो सैंक्शन मैप होता है उस मैप में एक एमिनिटी स्पेस होती है और एक ओपन स्पेस होता है। ओपन स्पेस ही रहा बिल्कुल पीछे, और एमिनिटी स्पेस में ये खाली जो दिख रहा है ये एमिनिटी स्पेस है। इस स्पेस में कोई भी फंक्शंस कर सकते हैं, गाड़ी की पार्किंग रख सकते हैं, मतलब जो सोसाइटी बन रही है उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होंगे, जो यहाँ पे घर बनाएंगे वो रहेंगे, वो उनके ऊपर रहता है, वो वहाँ पे क्या बनाना है, किस हिसाब से बनाना है। कभी कभी कंडीशंस में गवर्नमेंट स्कूल्स भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाती है, और वहाँ पे स्कूल का भी एक मतलब पार्ट होता है,
अगर आपको जगह स्कूल को देनी है तो आप स्कूल भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात रही ये लेआउट, तो ये लेआउट बहुत ही प्यारा लेआउट था और रेट भी एकदम अच्छे थे इसमें। और अभी ऐसा नहीं है कि इस लेआउट में प्लॉट नहीं है, इस लेआउट में अभी एक कैंसिल हुआ है 64 नंबर का प्लॉट, बट पता नहीं ये वीडियो अपलोड करने तक ये प्लॉट अवेलेबल रहता है या नहीं रहता है। बट अगर ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे उनको निवेश करना चाहिए, तो वो सोच सकते हैं इस लेआउट के बारे में। अगर प्लॉट अवेलेबल रहे तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है एम्पायर सिटी 1, और हम एम्पायर सिटी 2 बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। लोकेशन भी इसके थोड़ा आगे ही रहेगा और पास रहेगा, तो जिन लोगों को लगता है कि ऐसा ही NMRDA सैंक्शन लेआउट खरीदना है जिसमें ये डेवलपमेंट मिलती है, तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टाइटल में मेरा नंबर देता ही हूँ, और साथ ही साथ आपको और भी लेआउट की लिंक्स मैं प्रोवाइड करके दूंगा। जैसे हमारे पास जामठा में भी है, किसी लोगों को लगता है कि हाईवे टच लेआउट पे प्लॉट खरीदना है, तो दोस्तों मेरे पास हाईवे टच लेआउट में भी प्लॉट्स अवेलेबल है, एकदम आउटर रिंग रोड टच, वहाँ पे भी आप प्लॉट खरीद सकते हो। मतलब हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, बस आप हमें कॉल कीजिए और बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रोकर फ्री, या हाँ बिल्कुल दोस्तों ब्रोकरेज फ्री आपको प्रॉपर्टी हम मुहैया करवा के देंगे, प्रोवाइड करवा के देंगे, और उसमें आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा। जो प्लॉट के प्राइजेस होते हैं वही प्राइजेस आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए जो निवेश करना चाहते हैं नागपुर में। और नागपुर में मैं तो यही कहूँगा कि कम रेट के प्लॉट खरीदने से अच्छा है कि आप क्लियर टाइटल वाले NMRDA सैंक्शन प्लॉट खरीदें जिसमें बैंक लोन होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, NMRDA सैंक्शन जब प्लॉट आप खरीदते हो तो आपको रिस्क नहीं होती है, क्योंकि मेहनत का पैसा होता है आप सभी का। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, NA प्लॉट होते हैं, कोई कोई तो NA प्लॉट भी नहीं होता है, बट किसी के पास पैसा होता है तो बोलते हैं भैया वो तो कम रेट में दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही दे रहा है आपको, कम रेट में दे रहा है, बट क्यों दे रहा है? हाँ, और एक NMRDA प्लॉट महंगा क्यों है? NMRDA प्लॉट महंगा इसलिए है क्योंकि NMRDA नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सारी डेवलपमेंट करने के लिए बोलती है बिल्डर को, जिसमें सीमेंट रोड है, ड्रेनेज लाइन है, पीछे आप देख रहे हो, सॉरी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर लाइन भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए NMRDA सैंक्शन 2 पैसे से महंगे होते हैं और सेफ होते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, बट सेफ इज द बेस्ट। और NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी खरीदे, NATP या फिर जो भी बैंक लोन के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है, मोस्टली नेशनलाइज बैंक ले, क्योंकि नेशनलाइज बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, और नेशनलाइज बैंक जो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं वो बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं, विदाउट वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स लोन नहीं देती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हो पीछे इस लेआउट में ये घर बना हुआ है, और इसी के बाजू में और एक घर बन रहा है, तो उसी के बाजू में 64 नंबर का प्लॉट है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे कॉल करें, कमेंट में आपके सजेशंस दें, और कुछ आपको नया एडवा चाहिए तो आप बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।